रॉयल कंस्ट्रक्शन की ओर से समस्त देशवासी प्रदेशवासी और वागड़वासियों को धनतेरस दीपावली और भाईदूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक रॉयल कंस्ट्रक्शन भवर सिंह सलाड़िया प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना बांसवाड़ा जिला राजस्थान। मोबाइल नंबर 9828440800। समस्त देशवासी प्रदेशवासी और वागड़वासियों को धनतेरस दीपावली एवं भाईदूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक देवेंद्र त्रिवेदी जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरेड़ी बड़ी ओड़ा बस्सी पालोदा मार्बल माइंस एसोसिएशन प्रेसिडेंट जिला बांसवाड़ा राजस्थान। मोबाइल नंबर 9799011640। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का राजनीतिक अखाड़े के सबसे बड़े मंच न्यूज 20 इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। जहां तुम चलोगे मेरा साया साथ होगा, साये से भला कौन साथ छुड़ा सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सूबे में जहां इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें परवान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत के बयान भी सियासी तपिश लगातार बढ़ा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बयान देकर शायद बड़ा सियासी संदेश देने की चाह में बैठे हैं, तो वहीं सियासी पंडितों का कहना है कि गहलोत ऐसे बयान देकर पायलट गुट के हौसलों को पस्त करना चाहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने शाहपुरा में दो टूक शब्दों में पिछले साल के राजनीतिक घटनाक्रम को याद करते हुए उसे अंजाम देने वाले किरदारों पर जमकर हल्ला बोला। इसी दौरान गहलोत यहां तक बोल चुके थे कि उनकी सरकार डंके की चोट पर पूरे 5 साल चलेगी। गहलोत ने कहा कि मैं जादूगर हूं, इसलिए जादू किया और सरकार बचा ली। माना जा रहा है कि गहलोत का यह बयान कैबिनेट में विस्तार में उचित स्थान पाने के लिए छटपट आ रहे असंतुष्ट विधायकों के लिए करारा झटका है। दरअसल शाहपुरा के करीरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए तो थे प्रशासन गांव संघ अभियान का जायजा लेने, लेकिन वहां जमा भीड़ को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने दिल की बात अपनी जुबान से कह दी। उन्होंने एक एक करके सारी कहानी सुना दी। मुख्यमंत्री गहलोत बोले, आलोक बेनीवाल जैसे निर्दलीय विधायकों की वजह से ही मेरी सरकार सलामत बची, नहीं तो मेरा इस्तीफा उसी दिन हो जाता। निर्दलीय और बीएसपी विधायकों का मोटा लालच दिया गया, जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन एक भी विधायक मुझे छोड़कर नहीं गया। 100 में से 19 विधायक जा चुके थे, सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। लोकतंत्र में गिनती का खेल है, इसमें मैजिक नंबर होते हैं। मैं खुद जादूगर था, इसलिए काम चल गया और सरकार गिराने वालों के सपने चकनाचूर हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत के इस सियासी बयान के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गहलोत के इस बयान के साथ एक और बयान चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनूं या नहीं, लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। चौथी बार तो क्या आगे आप लोग माई बाप तो आप बैठे हो, मुख्यमंत्री चौथी बार कौन बने अलग बात है, पर चौथी बार सरकार जरूर आए कांग्रेस की, ही हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि बार बार सरकार बदलते हैं तो मजा नहीं आता है, जो योजना बनती है वो योजना ठप हो जाती है नई सरकार आते ही। हम चाहते हैं कि सरकार इस बार बदले नहीं, बल्कि सरकार वापिस लाओ कांग्रेस की। खैर, मुख्यमंत्री गहलोत के इन चर्चित बयानों की चर्चाएं अब भाजपा के गलियारों में भी होने लगी है। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद आगे आए और मुख्यमंत्री गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत यू टर्न लेने में माहिर है और कुर्सी जाने की आशंका से ऐसे बयान दे रहे हैं।
इससे पहले वो यू टर्न करने में माहिर है, उससे पहले उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं रहूंगा और मैं 15 साल तक स्वस्थ भी रहूंगा, स्वस्थ वो रहें बेशक 100 साल जिए। और लेकिन कल जो बयान दिया उसमें कुछ आशंकाएं नजर आती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कुर्सी जाने के भय से, उसकी आशंका से असुरक्षित ज्यादा है, इसलिए इस किस्म के बयान देते हैं। उनका जो आरोप है वो रटा रटा है, फिक्स है, उसमें बीजेपी ने बंद कमरे में न खुले मैदान में कभी सरकार गिराने की साजिश नहीं करती, लोकतंत्र का सम्मान करती है और हम लोग 2023 तक अच्छे तरीके से इंतजार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23 में वो पृष्ठभूमि खुद ही तैयार कर देंगे, इसलिए हमें किसी तरीके के उनसे किसी तरीके की असुरक्षा नहीं है, भय नहीं है। कांग्रेस का जो अंतर्कल है, अंतर्द्वंद है, आलाकमान की जो कमजोरी है, उन सब चीजों का इम्पैक्ट अशोक जी की मानसिकता पर है, इसलिए इस तरीके के बयान देते हैं, देते रहेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री गहलोत के बयानों ने अब सियासी गलियारों में अब चर्चाओं का डमरू बजा दिया है कि आखिर अशोक गहलोत का एक के बाद एक पायलट गुट पर इतना हमलावर क्यों हो गए। फिर हाजिर होंगे मरुधरा की सियासी मौसम की कुछ और दिलचस्प तस्वीरों को लेकर। तब तक आप देखते रहिए News 20 India। नमस्कार। श्री मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन की ओर से सभी देशवासी प्रदेशवासी और बागड़वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाईदूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी प्रकार के गुणवत्ता पूर्वक कंस्ट्रक्शन, रेत, गिट्टी, पत्थर, सीमेंट मिलने का एकमात्र स्थान निवेदक श्री अमर सिंह सयावत, गांव मकनपुर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9829-9486। बांसवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से देशवासी प्रदेशवासी और वागड़वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाईदूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, मुंह पर मास्क लगाएं और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, रोड पर अतिक्रमण ना फैलाएं, नगर परिषद और शासन प्रशासन को सहयोग करें, पॉलिथीन का उपयोग ना करें, शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग करें। निवेदक बांसवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, समस्त संरक्षक, अध्यक्ष, समस्त उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य बांसवाड़ा, राजस्थान।